हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हमारा दूसरा पाठ है छत्तीसगढ़ के जितने भी जनगणना से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से हम कवर करेंगे। कल का पहला पार्ट मैं डाल दिया हूँ, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। आपके प्रीवियस ईयर में मैंने 3 साल का एनालिसिस किया हूँ, तो वहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके जनगणना से ही पूछे गए हैं। तो जो जनगणना से जितने भी आपके 2022 में पूछे जाएंगे यहाँ से मैं कवर कराऊँगा, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो आपसे जनगणना से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से सभी क्वेश्चन कवर करा दूंगा। जो आपके जनगणना से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। अगर आप पहली बार चैनल में आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर। तो पहले पार्ट में हम 26 क्वेश्चन तक हम कवर किए थे, ये हमारा दूसरा पार्ट है। यहाँ से अब 27 से 2700 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है, आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो रायपुर, बस्तर, कबीरधाम या सरगुजा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कबीरधाम, याद रखिएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में जो कि सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि वाला जिला, तो 10 की जो वृद्धि वाला जिला कौन सा जिला है 2011 जनगणना के अनुसार, तो आपका जो कबीरधाम जिला है आपके 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार राज्य में जो कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला है, तो कबीरधाम इसका सही आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना वर्ष छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व कौन सा सुमेलित नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 1981 से 04, 1991 से 30, और आपका 2001 से 54 से, या 1971 से 68, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1971 से 68 है। यह जनगणना जो वर्ष है 71 से 68 यह छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व से सुमेलित नहीं है, बाकी इसका ए बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनसंख्या में जो जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 154, 189 या डी है 991, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 189, याद रखिएगा। तो 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या में जो जनसंख्या घनत्व है छत्तीसगढ़ की, तो याद रखिए 189 जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना में कुल साक्षरता प्रतिशत, तो 71.04, बी है 64.66, या सी है 75.04, या आपका डी है 70.30, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 70.30। यहाँ छत्तीसगढ़ की 2011 की जनगणना में यहाँ पे तो कुल छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता है 70.30%, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिएगा 70.3 यह 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल साक्षरता दर है, तो याद रखिए यह साक्षरता प्रतिशत पूछा गया है, तो 70.30 यह छत्तीसगढ़ की साक्षरता प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 1951 की जनगणना में छत्तीसगढ़ शामिल था, तो कौन से राज्य में शामिल था, तो मध्य प्रदेश आपका सीपी एंड बरार में, या बिहार, या झारखंड, या उत्तर प्रदेश में, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वर्ष 1951 के अनुसार जनगणना में जब छत्तीसगढ़ कौन से राज्य में शामिल था, तो आपके मध्य प्रदेश सीपी एंड बरार में जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ मध्य एमपी में शामिल था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1991 की जनगणना में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था, उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा, तो उस समय 7, 16, 18 या 9, तो वर्ष 1991 की जनगणना में जब छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में शामिल था, उस समय छत्तीसगढ़ में लगभग उस समय 7 जिले थे, याद रखिएगा 1991 के वर्ष के अनुसार पूछा गया है, तो इसका 7 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में जिले थे, 2001 के अनुसार पूछा गया है, तो 2001 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में कुल जिले थे 7, 16, 18 या 9, तो 2001 के जनगणना में छत्तीसगढ़ में लगभग 16 जिले बन चुके थे, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा सही हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े में छत्तीसगढ़ में कुल जिले कितने थे,
तो 7, 16, 18 या 9, तो 2011 की जनगणना में जो अंतिम आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में टोटल 18 जिले थे, याद रखिएगा, तो इसका 80 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो कोरिया, बीजापुर, सरगुजा, बस्तर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बीजापुर जिला, याद रखिएगा। तो जो बीजापुर जिला है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला है आपका बीजापुर, याद रखिएगा, तो इसका बी ऑप्शन बीजापुर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना था, तो 80 से 27%, 71.04% या 90% या 70.3%, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत कितना है पूछा गया है, तो 80.27%, याद रखिएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो पुरुष साक्षरता प्रतिशत 80.27%, मतलब 80.27% है यहाँ पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत, याद रखिए। अगर आपसे महिला का पूछ दिया जाए तो 60.24 आंसर लीजिएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर 80.27% और जनगणना 2011 के अनुसार जो महिला साक्षरता दर प्रतिशत पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पे 60.24%, 60.24% आपका महिला का है और आपका 80.27% आपका पुरुष का है। और यहाँ पे राज्य के पूछा जाएगा, तो जनगणना 2011 के अनुसार जो कि राज्य की जो साक्षरता प्रतिशत है कितना पूछा जाएगा, तो 70.3% हमारे राज्य की साक्षरता प्रतिशत है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से डेफिनेटली आप एक नए क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा जितना भी मैं बोलता हूँ इसको फिर से रिवाइज करिएगा, तो आपको पूरा डाटा याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इंक्लूड की हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाए। जनगणना जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे इसमें मैंने साबित शामिल कर दिए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है, तो यहाँ पे 975, 997, 969, तो जनगणना 2011 के अनुसार जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात लगभग 99% है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की जो जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है पूछा जाएगा, 991 बी ऑप्शन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या, तो 2011 के जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ में जो कुल जनसंख्या उस समय यहाँ के, इसका जो सही डाटा हो जाएगा 2,55,45,198 यह जो डाटा है आपके 2011 के अनुसार है। नया जनगणना तभी अभी हुआ नहीं है, अब डाटा आएगा तो पता चलेगा। यह 2011 क्वेश्चन जनगणना पूछा जाएगा 2,55,45,198, इसका आंसर लीजिएगा बी ऑप्शन, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में 10 की जनसंख्या वृद्धि है 18.27%, 23.59%, सी है 22.59% या डी है 20.27%, तीसरा सही ऑप्शन हो जाएगा 22.59%। यह जो डाटा है आपके वर्ष 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ की जो 10 की जनसंख्या वृद्धि 22.59%, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता प्रतिशत है, तो मैंने अभी बताया होगा, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपका राज्य का बताया हूँ, पुरुष को बताऊँ, महिला को भी बताया हूँ, तो इसका फिर से मैं रिपीट करूँगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता प्रतिशत पूछा जाएगा, तो 51.85%, 60.24%, आपका सी है 65.59% या डी है 58.85%, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 60.24%। यह जो डाटा है यह 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता प्रतिशत पूछा गया है छत्तीसगढ़ की, तो 60.24% आपको आंसर लेना है। अगर इसमें अगर पुरुष का पूछ दिया जाए तो पुरुष का 80.27% आपका पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत है छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के अनुसार, तो याद रखिएगा महिला पुरुष का पूछा जाएगा तो आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या था, तो 2001 में जनगणना छत्तीसगढ़ की कितनी थी, तो उस समय इसका 208,3380, ये डाटा है आपका 2001 की जनगणना अनुसार, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ में कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है,
तो 8, 7, 10 या 16, तो इसका सही ऑप्शन बा आंसर हो जाएगा, 7 याद रखिएगा। तो जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ में लगभग 7 जिलों का जो लिंगानुपात 1000 से अधिक था, तो यह 2011 की जनगणना के अनुसार याद रखिएगा, इसका बा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना में राजनांदगांव का लिंगानुपात 4था है, तथा 2001 की जनगणना में इसका लिंग अनुपात छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान था, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रथम। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना में राजनांदगांव जिले का लिंग अनुपात 14 था, लेकिन 2001 की जनगणना में इसका लिंग अनुपात प्रथम स्थान पर था छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा जिला है, तो सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, दुर्ग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जसपुर, याद रखिए जो आपका जो जसपुर जिला है यह 2011 की जनगणना अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला है आपका जसपुर जिला, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन जसपुर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जिसमें 420 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जिला कौन सा है, तो यह 2000 जनगणना 11 के अनुसार जनगणना अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है, तो जांजगीर चांपा, कवर्धा, जसपुर या डी है रायपुर जिला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जांजगीर चांपा जिला। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो घनत्व है जिसमें 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जिला कौन सा जिला है, तो आपका जांजगीर चांपा है, याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की नगरीय जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 59, 37 और 237। ये आपका 2011 के जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ की नगरी जनसंख्या है, याद रखिए नगरी जनसंख्या बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, 59,37,237। यह डाटा आपके जो कि नगरी जनसंख्या जनगणना है छत्तीसगढ़ की, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 1,27,12,303। यह महिलाओं की जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की, याद रखिए 2011 के जनगणना अनुसार, इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 2011 में छत्तीसगढ़ की साक्षरता 70 से 30% है, तथा 2001 के जनगणना में कितना प्रतिशत रहा था, तो 67.7%, 64.7%, या सी है 71.04% या ए है 56.60%। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 64.7% है। यह 2011 में छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता प्रतिशत है 70.3% 2011 के अनुसार, तथा 2001 की जनगणना में लगभग 64.7% जो कि रहा था 2001 में। तो याद रखिए 2011 में 70.3% छत्तीसगढ़ की साक्षरता है, और 2001 की जनगणना में जो प्रतिशत रहा था 64.7%। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 0 से लेकर 6 वर्ष तक बच्चों की जनसंख्या या उनकी संख्या क्या थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 36,61,689। यह डाटा आपके जनगणना 2011 के अनुसार 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे यहाँ पे बच्चों की संख्या है छत्तीसगढ़ की, याद रखिएगा 2011 की डाटा है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में, जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी, तो 2.11%, 4.11% या 3.11% या डी है 1.11%। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 2.11%। यह जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है पूछा गया है, तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 2.11%। यह छत्तीसगढ़ की जो कि जनसंख्या देश की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह जनगणना 2011 का डाटा है जिसमें छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग 2.11% है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं इसको हम कल कराएंगे, कल हो सकेगा तो पूरा हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे को बार बार रिवाइज़ कीजिए, तब डाटा आपको याद हो जाएगा, 1 से 2 बार देखेंगे तो आप यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही हैं,
तो आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा क्लास, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, तो बनिए रहिएगा। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।